चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हाँ जानू, यार मैं अभी बड़ा ही मिस करता हूँ जानू। वो भी क्या दिन थे यार। हाँ तुम्हारा अपना घर है जानू, जब दिल करे आ जाओ। हाँ आ जाओ, आज आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। ओके जानू। तुम्हें शर्म नहीं आती नबील? नहीं जानू, पहले आती थी, अब तो आदत हो गई है घर बैठने की। शट अप नबील, किससे बात कर रहे थे तुम? जानू से। जानू नबील, या तो तुम मुझे जानू कहोगे या उसे जानू। उसे तो जानू ही कहना पड़ेगा ना, उसका नाम जानू है। क्या? हाँ खूबसूरत जानू मेरा पुराना दोस्त है यार। कल वो अमेरिका जा रहा है, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है। तुमसे क्यों मिलने आ रहा है? जानू हो सकता है वो मुझसे पूछने आ रहा हो भाई कि मुझे अमेरिका से क्या क्या चाहिए। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी तरह है नबील, अमीर और हैंडसम। जी नहीं, लालची और मतलबी। खूबसूरत, तुम अपने शौहर की तौहीन कर रही हो। अभी आएगा मेरा दोस्त, देख लेना, पता चलेगा तुम्हें दोस्त होते क्या है। अमेरिका, अमेरिका। महमूद साहब, महमूद साहब। क्या बात है नबील, इतने खुश क्यों लग रहे हो? जानू की वजह से। क्या जानू ने तुम्हें तलाक दे दी है? मैं उस जानू की बात नहीं कर रहा महमूद साहब। अरे तो फिर किस जानू की बात कर रहे हो नबील? मैं अपने दोस्त जानू की बात कर रहा हूँ महमूद साहब, जो कल अमेरिका जा रहा है। अमेरिका? अमेरिका? हाँ महमूद साहब, पीछे पड़ा हुआ है कि मैं भी साथ चलूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने कह दिया भाई कि मैं अपनी बूढ़ी माँ और उसके पेटू शोहर को छोड़ के नहीं जा सकता। नबील, तो क्या वो हमें भी अपने साथ ले जाएगा? नहीं महमूद साहब, आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है भाई। वो क्यों भाई? हाँ, खामखा अंग्रेजों ने पकड़कर आपके मुंह पर सालों रिसर्च कर डालनी है। ओहो इजी, रिलैक्स महमूद साहब। अच्छा जरा दिखाएं कौन सी अच्छी खबर है, बताइए। तुम्हारे मतलब की कोई खबर नहीं है, चलो जाओ यार। महमूद साहब आप तो वो सही कर गए यार। ये आजकल के फकीर भी ना। खैर क्यों जी, आप कौन? मैं जान जी। और मैं जानू। और अगर किसी को तो जहर लग रहा हो तो वो तुझे क्या कहे? वो भी जानू ही कहेगा आंटी। लो लो, इतने बड़े बड़े आदमी आप मुझे आंटी बोलेंगे? मेरा तो बच्चा स्कूल जाता है अभी पढ़ाने। पढ़ाने नहीं, पढ़ने। नालायक तो वो शुरू से ही था, पर इतना। मगर वो है कहाँ आंटी? कौन? आपका बेटा नबील। लेकिन मेरा बेटा तो शकील है। शकील? उसने नाम भी बदल लिया। मगर वो है कहाँ आंटी? घर के अंदर। और कहाँ? आजा मिले जमील से। जमील? जमील कौन है? मेरा पुत्र। और कौन? आपका कितना बेटा जी? जलील, जमील, शकील, अदील, फहीम। लेकिन मुझे नबील से मिलना ना। नबील नाम का तो कोई नहीं रहता इधर। तू ऐसा कर, वकील से मिल अंदर। चलो हमारा केस भी चल रहा है। चलो चलो आओ जी, आए जी, देखें जी। अरे मेरा दोस्त, मेरा जिगर जानू आ गया। जानू इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त जानू। जानू? यार ये बहुत ही छिछोड़ा सा नाम है। तो महमूद साहब आप रख लेना यार। क्या नाम बैठेंगे? सोलो मुमताज, एक पराई मर्द को मेरे सामने जान कह रही हो? अब भाई तुम भी मेरे को जान बोल सकता ना। हाँ ये मेरे डैडी हैं और इनका नाम जान है। अरे ये कैसे नाम है इन लोगों के? महमूद साहब हमने कभी एतराज किया कि आपका वो बड़ा ही अजीब सा है यार। जानू तुम चाय ले आओ यार। क्या हो गया यार, मेहमान से चाय बनवाएगा? नहीं मैं तो जानू इसे कह रहा हूँ, अपनी बीवी को। ओह इनका नाम भी जानू है। मैं खूबसूरत हूँ। अरे आप तो वाकई खूबसूरत है जानू। नबील ये क्या बकवास है? ओ भाई इसका नाम खूबसूरत है, मैं प्यार से जानू कहता हूँ इसे। जानू तुम एक काम करो, तुम नाश्ते का बंदोबस्त करो। महमूद साहब आप भी मेरे साथ है, हम लोग लॉन में बैठ के बातें करते हैं। डैडी आप यहीं बैठे, मैं अभी आया। जल्दी आने का, जल्दी आने का। चल यार बाहर चल के बात कर। चलो चलो चलो, मैं भी बातें सुनूं। आओ आज मैं भी बातें सुनूं। जान की शीफ रखें। ओ भाई आज पूरी फिजा में चल। तो बाहर लॉन में सील कर। आज वो आज वो आज वो आज वो। हाँ भाई जानू, बता मुझे अमेरिका से मेरे लिए क्या क्या लेके आएगा? जो तू कहे मेरे यार। बल्कि एक काम कर, तू लिस्ट बनाकर मुझे दे दे, मैं वो सब ले आऊंगा। भाई एक आध परफ्यूम मेरे लिए भी ले आएंगे आप? ओ महमूद साहब 20 दिन के बाद जो लोग नहाते हैं ना, उन पे दुनिया का कोई परफ्यूम काम नहीं करता। मेरा दोस्त सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। क्यों मेरे दोस्त? अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा था घर में जितने अफराद हैं उन सबको बोल कि लिस्ट बना दे जो जो उन्हें चाहिए, मैं सब ले आऊंगा। आखिर को तू मेरा जिगरी यार है। देखा महमूद साहब, मेरे दोस्त का दिल आपके मुंह जितना बड़ा है। नबील, मेरे मुंह पे मत जाना। अरे आप लोग मेरी बात तो सुने। दरअसल मुझे आप लोगों की फेवर चाहिए। मैं कल शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ अमेरिका। पीछे डैडी अकेले रह जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि बंगले में डैडी अकेले रहे। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम उतने दिन तुम्हारे बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ये चाह रहा था कि 2 हफ्ते के लिए डैडी यहाँ आप लोगों के साथ रह ले तो। अरे लेकिन हमारे घर जगह कहाँ है भाई? देखे मैं 2 लाख रुपए दूंगा डैडी को रखने के। 2 लाख रुपए 2 हफ्ते के? हाँ, मगर मेरे डैडी का बहुत ख्याल रखना तुम लोगों ने, ये बता रहा हूँ। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे डैडी मेरे डैडी। तुम टेंशन ना लो भाई, बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे हम तुम्हारे डैडी का। हाँ, अगर वो 2 लाख बराबर में तकसीम हो तो। बस कर दे महमूद साहब, उड़ने वाले लालची सांप ना बने। अच्छा यार मैं चाहता हूँ घर जाकर मुझे कल के लिए पैकिंग भी करनी है। एक काम करो, ये 1 लाख रुपए अभी रख लो, बाकी के 1 लाख मैं वापस आकर दे दूंगा। डन डन, हैव अ सेफ फ्लाइट। जानू, आज तुम्हें अपने शोहर पे बहुत फख्र होगा। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? जानू वो मेरा दोस्त है ना, वो 2 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा है जानू। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हारे डैडी को हम अपने पास रख लेते हैं 2 हफ्तों के लिए। क्या? हाँ, बेजर से मासूम से तो है जान अंकल। तुम कैसे मान गए हो ना यहाँ रखने के लिए नबील? इंसानी जज्बे के तहत जानू, तुम तो जानती हो तुम्हारा शोहर कितना दर्दमंद दिल रखता है। दर्दमंद दिल? और तुम सच सच बताओ नबील, कितने पैसे दिए उस आदमी ने तुम्हें अपना बाप यहाँ रखने के लिए? जानू 2 लाख में डील हुई है, 1 लाख उसने आज दे दिया और 1 लाख आगे देगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नबील, हद होती है। जानू शर्म कैसी, एक बूढ़े आदमी की खिदमत करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होगी जानू। वैसे भी भोले भाले से इंसान है, जो रूखी सूखी देंगे वो खा लेंगे, बाकी रहा बिस्तर तो वो लाउंज में लगा देंगे उनका। भाई तुम्हें जो करना है तुम करो नबील, मुझसे कुछ ना कहना। थैंक यू जानू, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। शट अप नबील। ओके जानू। मेरी हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, तेरे आंगन में। अंकल जी अगर भूख लगी है तो मैं खाना लगवाऊं? बहुत बहुत भूख लगा। आज हमारा मूड है जी शुतर मुर्ग की कढ़ाई। शुतर मुर्ग की कढ़ाई सुन रहे हैं सऊद? अरे भाई शुतर मुर्ग का गोश्त कहाँ से लाएंगे हम इस बार? जाओ शिकार करने का, शिकार करो, लाओ हमको खिलाओ, बस खत्म हो गया बात ना। नबील तुम तो कह रहे थे ये रूखी सूखी खा लेंगे। अंकल शुतुरमुर्ग का गोश्त तो नहीं मिलेगा, कुछ और बता दें। एक काम करना कर, टिड्डी है ना टिड्डी, उसका बिरयानी बनाने का, और ऊंट जो है हम सालम खाएंगे। जो कुछ घर में बनाए ना चुपचाप खा ले। अच्छा ये बात है ना। हाँ। ये देखो मैं काट डालेगा, काट डालेगा। हाँ तो जाके बच्ची खाने में सारी सब्जियाँ वो काट डालो। नबस काटना, नबस काटना। ले, अब इसने नबस की कढ़ाई खानी है। नहीं समझता नहीं ना बात को, अपना नबस काटेगा अपना। अरे अगर आप अपनी नब्ज काट लेंगे तो कढ़ाई कैसे खाएंगे भाई? यार नबील, महमूद साहब इन्हें रोके प्लीज, अगर इन्होंने खुदकुशी कर ली ना तो हम सब फंस जाएंगे। अंकल जी प्लीज आप ना, आप खुदकुशी ना करें, आप हमें 1 घंटा दें, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। महमूद साहब मैं ना शुतुरमुर्ग और ऊंट के गोश्त का इंतजाम करता हूँ, आप एक काम करें, आप लॉन में जाके ना टिड्डियाँ तलाश करें। यार मुझे मैंने लॉन में जाके तलाश करनी है, वो टिड्डियाँ हैं। हाँ जी तकरीबन टिड्डियाँ। मामा तुम भी मेरे साथ चलो ना फिर। आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। मामा। हाँ जी। अरे हमारे लॉन में टिड्डियाँ कहाँ हैं भाई? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, चलें ढूंढे। आओ ना फिर, मुझे बताओ कहाँ ढूंढूं। मुझे टिड्डियाँ लबड़ आया मुंडा लौरदा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। गौर से सुनने का बात है। अभी तो हमने रूखा और सूखा खा लिया, लेकिन रात को शुतुरमुर्ग खाना ही खाना। अंकल आप फिक्र ही ना करें, नबील जो है ना ये किसी जंगल में जाके आपके लिए शुतुरमुर्ग लेकर आएगा। हाँ महमूद साहब, अगर शुतुरमुर्ग ना मिला तो मैं कोई लगड़ बगड़ पकड़ के ले आऊंगा। तो जंगल से वापसी पे मेरे लिए एक शेर लेते आना। क्यों माँ जी, आपने क्या करना है शेर का? मैं सऊद को दही लगा के उसपे छोड़ने। ओ माँ जी, इन पे छोड़ने के लिए मैं आपको भी 4-5 लगड़ बगड़ ला दूंगा। अरे यार आप लोग लड़ना बंद करें, कमरे में चल के सब आराम करते। अगर तुम लोग आराम करेगा मैं क्या करेंगे? आप भी आराम करें अंकल। ना ना ना, मेरा तो मूड हो रहा है सुल्तान राय का फिल्म देखने का। डीवीडी है ना तुम लोग के पास? है। अरे भाई डीवीडी प्लेयर तो है, लेकिन हमारे पास सुल्तान राय की कोई डीवीडी नहीं है। क्या तुम लोग मुझको इनकार कर रहे हो? मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। नफस काट लेगा, मर जाएगा। नबील कुछ करो यार, मुझे इस घर में खून खराबा नहीं चाहिए। अंकल जी देखे देखे, आपको सुल्तान राय देखना है ना, मैं आपको सुल्तान राय दिखा देता हूँ यार। ओशा पुत्र, हमारे घर सुल्तान शाही आया है। नहीं माँ जी, बड़े मुंह वाला सुल्तान राही आ रहा है। नबील बकवास ना करो, फोन में क्या करते? नहीं हम कुछ करते मौलाना मरे और ते मौला कदे नहीं मरदा है। नवाया है सोनिया, मजा नहीं, मजा नहीं। और लगदा तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। महमूद साहब कंट्रोल करें, कंट्रोल करें महमूद साहब। हट जाओ, ओए अब मेरी बारी है। आजा कोड़ चिल्ला, आजा कोड़ चिल्ला। रुका। नबील मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, रात के खाने के बर्तन धो के रख देना। हाँ जी मैं जी अपने बाथरूम में सोने जा रही हूँ। क्या बोलता है, ये बाथरूम में सोता है? हाँ मेरे बाथरूम का एसी बड़ा अच्छा चलता है। जान मुमताज। हाँ जी। अरे इन्हें बार बार जान मत कहो भाई, कहीं उनकी जान ही ना निकल जाए। चलो मैं भी चलता हूँ सोने के लिए। अंकल गुड नाइट। गुड नाइट। रुक जाना, रुक जाना। हम तो नहा धो के फ्रेश हो के फिर सोता ना, हमारे लिए जल्दी नहाने का पानी तैयार करो। एक पानी का पतीला चढ़ाने का चूल्हे पे, इसमें जो है ना 4 पत्ते नीम के डालना, बीज जो है वो गुलाब के पत्तियां और थोड़ा सा संदल, उसको गर्म करेगा। इसके बाद बाल्टी में उलट के और ठंडा करेगा, ठंडा ठंडा। दालचीनी और बड़ी इलायची भी डाल दूं? क्या कौरमा बनता है इसमें? थोड़ा नीला थोथा डाल दूं उसमें? ना ना, ये बहुत काफी है भाई काम करने का। उसको बाल्टी में उलट के ठंडा ठंडा करना, ठंडा ठंडा। यार महमूद साहब ये तो सारी रात की कार्रवाई है भाई। बेल मुझे तो बहुत नींद आ रही है यार। सोच ले महमूद साहब, 2 लाख में से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो जो तुम 2 लाख में से मुझे नहीं दोगे वो फूटी कौड़ी होगी। हाँ जी बच्चा था फेल आए। चल नरीन मैं तेरे साथ सोने चलती हूँ। टीवी देखना था, टीवी। एंजॉय कर रहे हैं। वंस मोर चल भी नसीन हम तो सोते हैं। बाथरूम जाना, बाथरूम जाना है। क्यों मैं तेरी अम्मी हूँ जो मुझसे पूछ के जा रहे हैं? ऐसे शक्ल से आप अपने वो क्यों लग रहे हैं? वो क्या प्यारा? नहीं प्यारा नहीं, वो जो मुश्किल में आ जाता है इंसान तो हो जाता है बेचारा। नहीं बेचारा नहीं, वो तबस्सुम। छोड़ो जी, बहुत ही बेचैनी हो रहा है। हाँ, बेचैन आप शक्ल से इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? शान जान है, जान। हाँ, शान मेरी जान है, पान मेरा पेट गड़बड़ है। बाथरूम जाना है। हमारे बाथरूम में डॉक्टर है शिबाना? नहीं माँ जी। अंकल प्लीज आप दूसरा बाथरूम यूज कर लेना। ना दूसरा बाथरूम उसका खिड़की छोटा घुटन होता हमको। ले नसीम, अब हम दोनों को घुटन होने वाली है। अरे कसम से सारी रात गुजर गई है पानी को ठंडा करते करते यार। अरे इतने भारी पतीले उठाते उठाते मेरी तो कमर दोरी हो गई है यार। मैं 10,000 रुपए ज्यादा लूंगा। लालची इंसान, एक पाई भी ज्यादा नहीं दूंगा आपको। अरे इतनी भारी पतीली उठवा रहे हो मुझ बूढ़े से यार। ओ बासी कर दे यार महमूद साहब, इस पतीली से कहीं भारी आपका मुंह है जो पूरा दिन उठाए फिरते रहते हैं आप। नबील अपनी हद में रहो। महमूद साहब पानी अब ठंडा हो चुका है, चल के अंकल को बताते हैं कि वो नहा ले यार आए। हाँ यार ये लेके चले। ओ नहीं नहीं यार आज पहले पूछ लेना कहाँ कौन नहा। अंकल जी पानी ठंडा हो गया नहा ले। मोड नहीं, नहाने का मोड नहीं, हम जाके सन बात लेना। अरे तो उस पानी का क्या करेंगे भाई? तो पी जाओ, पेट के लिए बहुत मुफीद है। भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ नबी। नहीं इल्ले, अभी तुम दोनों ने मुझको कंपनी देने का समझ आया नहीं आया? ताश खेलने का। ताश? हाँ ताश है आओ ना। नहीं आने का ये काटने का। नहीं 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 अंकल जी हम खेलते हैं ताश, हम ताश खेलते हैं। अब एक काम करेगा, हमारा बहू को जाके बोलने का कि कबाब पकौड़ा और चाय बना दे। जी 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 मैं जाता हूँ बहू को उठाने। हाँ चलो। हाँ मैं भी चलता हूँ। तुम किधर जाता? इधर खेलने का ताश। अच्छा जानू उठो जानू प्लीज यार, वो अंकल के लिए ना चाय उसके साथ पकौड़े और कबाब बना दो जानू। जानू मैं वादा करता हूँ मैं रोज तुम्हारे पाँव दबाऊंगा, रोज तुम्हारी खिदमत करूंगा जानू प्लीज। नबील मैं यहाँ हूँ। ओ जानू तो यहाँ कौन है? ओए जान मरीद, कभी माँ के पैर दबाए तूने? बीवी की खिदमत करने चला, चल दफा उधर से। माँ जी आप खूबसूरत, अंकल के लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो प्लीज। चल परामर, रात भर सोने नहीं दिया, सुबह के 6 बज रहे हैं कफील, इस वक्त तूने चाय बनाने को कहा ना तो मैंने उस बुड्ढे की चाय में वो मिला देने बहुत सारा। वो क्या दूध? माँ जी नहीं नहीं दूध नहीं, वो जो तेरी बीवी मुझे रोज लगती है। जहर? हाँ हाँ जहर, मैंने ना उस बुड्ढे के जहर में चाय मिला के उसको मार देना है। जानू प्लीज तुम बना दो ना। नबील तुमने तो बोला था बेजर सा इंसान है, वो तो एक पल के लिए चैन नहीं लेने दे रहा यार। उन्हें साफ साफ कह दो नबील, सीधी तरह रहना है तो रहे, वरना उन्हें उनके किसी रिश्तेदार के पास भिजवा दो प्लीज। हाँ जानू ये ठीक है, तुम एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, अंकल पर ज्यादा भरम पड़ेगा। माँ जी आप भी चले यार। हाँ नसरीन चल, उस आन की जान ना निकाली ना तो मेरा नाम भी फायजा हसन नहीं। ईंट का बादशाह फेंको। मैं क्यों फेंकूं भाई? ओए जान के बच्चे बात सुन, अगर इस घर में रहने तो हमारी मर्जी से रहना होगा। ये क्या बोला कि? बिल्कुल, टाइम पे सोना होगा, टाइम पे उठना होगा और जो घर में पकाए खाना होगा। हाँ और कोने में लाउंज के सोना होगा। हाँ और नल में जो पानी आ रहा है ना उसी से नहाना पड़ेगा। तुम हमको धमका रहे, थ्रेट कर रहे हैं। और तुम हम लोगों को जानते नहीं बच्चों, हम बड़े वो हैं। वो क्या है? वही जिनसे लोग दूर भागते हैं। अच्छा मेला और बदबू जा रहा है। मेले नहीं, वो जिन्हें देख के लोग कांपने लगते हैं ना, जंगली जानवर है। माँ जी इतने भी खतरनाक नहीं है। हाँ 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 खतरनाक, हम लोग ना बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ और खासकर महमूद साहब उड़ने वाले सांप है महमूद साहब। हाँ हाँ और तुम क्या हो छोटी टी शर्ट वाले बंदर। बात सुनो, मेरा कहना अगर नहीं माना ना तो क्या अपनी नब्ज काटोगे ना? काट इस काट अपनी नब्ज। इस दफा हमारा प्रोग्राम चेंज, तुम लोग का गर्दन काटना। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए देखो यार। नहीं नबील, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। और खुदा का नाम मानो यार, दरवाजे पे देखो, मुझे ना देखो भाई। तुम देखो नबील, मर्द बनो। और चलो चलो उठो, तुम भी मर्द बनो सुबह, चलो जाओ दरवाजे पे देखो यार। आप अमेरिका नहीं गए? जी मैं अमेरिका नहीं गया, वो मेरे डैडी कहाँ है? वो डैडी जानू जानू तुम यार तुम अमेरिका नहीं गए? मैं अपने डैडी को छोड़कर जा नहीं पाया, और तुम लोगों ने मेरे डैडी का क्या हाल कर दिया। जब से तब गया ना, एक बोझ पानी नहीं दिया, रस्सियों से बांध के रखा, भूखा रखा मेरे को, भूखा। जुल्म की हद हो गई है, मेरे बाप के साथ जानलेवा सलूक। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे ये क्या कर रही हो मोमो? ओ हमें तो जेल जाना ही है, तो इस फसादी बुड्ढे को तो मैं पहले खत्म करूँ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल।